त्योहार छोड़ व्यापारियों की समस्या सुनने कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा एवं निगम आयुक्त रोहित व्यास व्यापारियों द्वारा दिए जा रहे धरना स्थल पर पहुंचे और सुपेला अंडरब्रिज को लेकर रेलवे के अधिकारियों से चर्चा की। व्यापारियों के साथ पूरे मार्केट क्षेत्र का निरीक्षण कर व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर की अपील पर मोर शहर मोर जिम्मेदारी के तहत व्यापारी भी आगे आए। कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा ने कहा कि आकाशगंगा मार्केट में एंट्री गेट भी बनाया जाएगा एवं इसके साथ अन्य सुविधाएं भी दुरुस्त की जाएगी। व्यापारियों को अंडरब्रिज से हो रही दिक्कतों से भी निजात दिलाने का प्लान बनाया जाएगा। साथ ही बाजार में पार्किंग की व्यवस्था को दुरुस्त करने के साथ सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था को भी दुरुस्त किया जाएगा। व्यापारियों की दो तीन मेजर इश्यूज हैं। पहला इशू ये कि जो रेलवे अंडरब्रिज जो बन रहा है उसके अलाइनमेंट में उनको थोड़ा दिक्कत है कि अलाइनमेंट सेंटर से लिया जाना चाहिए या फिर चौक से लिया जाना चाहिए, क्योंकि उसमें दुकान कितनी दुकान दबेंगी, कितना एरिया बचेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो उसके ऊपर हमने एक डिसाइड किया है कि रोड से लेना चाहिए ताकि दोनों साइड में बराबर रहे। दूसरा इनका इशू है कि जो टाइम लग रहा है वो बहुत ज़्यादा लग रहा है। अभी काम चालू हुआ पर 25 दिन काम बंद रहा और एक साल का टाइम है और उनके बिजनेस पर बहुत ज़्यादा इससे नेगेटिव फर्क पड़ रहा है। तो उस पर बात ही हुई कि इसका वीकली बेसिस पे हम लोग ही मॉनिटरिंग करेंगे और कोशिश करेंगे कि साल भर का काम इसको 8 महीने में खत्म कराएं, 8 से 9 महीने में खत्म कराएं, ताकि ये जनता के लिए भी सुविधा रहे, व्यापारियों के लिए भी सुविधा रहे। नहीं, ये तो इनका अगस्त से चालू करने का था, तो अगस्त से इनको स्टार्ट करना था। तो एक हर एक प्रोजेक्ट की टाइमलाइन रहती है, क्योंकि अगर त्यौहार का वेट करेंगे तो अक्टूबर नवंबर तीन एक महीने का और लॉस होगा। तो इसलिए रेलवे वालों ने अगस्त का टाइमलाइन मान के उन्होंने स्टार्ट किया। व्यापारियों के साथ में मैं खुद 2-3 बार बैठ चुका हूँ इस मैटर पे और प्रशासन का पूरा फोकस ये है कि व्यापारियों को आर्थिक नुकसान किसी तरह का ना हो, मार्केट में लॉस ना हो। इसलिए रोड्स और कहाँ से हम पैसे जो हमारे जो कस्टमर्स आएंगे उनके लिए और क्या सुविधा कर सकते हैं, कहाँ से एक्सेसिबिलिटी बढ़ा सकते हैं, इसके भी हम लोग इसके ऊपर हमें अभी हम लोग अभी इसमें काम करने वाले हैं। हमारा पूरा फोकस है कि मार्केट में ज़्यादा लॉस ना हो, क्योंकि प्रोजेक्ट अभी साल सवा साल चलने वाला है। कोशिश हम करेंगे 8 महीने में खत्म हो, बट फिर भी साल भर तो लगेगा। नहीं आ रहा है, उस पर बात हो गई है, उस पर सेंटर से करा रहे हैं। तो ये फाइनली इस प्रॉब्लम नहीं, सर्वे की बात नहीं है। जो इनका जो नियम होता है, जो नॉर्म होता है, वो ये होता है कि जो रेलवे क्रॉसिंग है उससे परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल पर लेना चाहिए और यहाँ पर जो रोड है वो 90 डिग्री एंगल पर नहीं आ रही है। तो उन्होंने अपने नॉर्म के हिसाब से लिया, बट व्यवहारिक स्थिति में अगर आप देखेंगे प्रैक्टिकली तो वो रोड को सेंटर मांगे करना चाहिए, वो नॉर्म की बात है। सर, अगर व्यापारी जो धरने पे क्या समापन हो गया इनका धरना? अब इस पर बात